हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल से सोयाबीन का रेसिपी, जिसको बनाने के लिए आपको चाहिए बहुत कम इंग्रेडिएंट। और ये रेसिपी रहेगा बहुत सिंपल, क्योंकि ये रेसिपी सिंपल रहना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड तो लाइफ भी होती है। सो लेट्स मेक रेस्टोरेंट स्टाइल सोयाबीन की सब्जी। लेट्स स्टार्ट। के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे सोयाबीन, जो मार्केट का सोयाबीन रहता है, दिस इज क्यूब्स, और उसको हम करेंगे बॉयल। मार्केट का सोयाबीन बॉयल करने के बाद एक प्रॉब्लम जरूर होता है कि उसमें से स्मेल अलग आता है, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी दिखाएंगे आज का वीडियो में। सो सबसे पहले इसको करेंगे हम बॉयल। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सोयाबीन। ऑफकोर्स सोयाबीन का रेसिपी है, सोयाबीन तो चाहिए होगा। तो पानी बॉयल करेंगे, पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, बिकॉज सीजनिंग के लिए थोड़ा सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट। विल एड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन दिस, और इसी में डाल देंगे सोयाबीन चंक्स। इसको बॉयल करेंगे तब तक जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। सो विल कुक दिस फॉर अ वाइल। जब तक ये सोयाबीन कुक हो रहा है, वी आर गोना मेक द प्रेप फॉर द ग्रेवी एक्चुअली। तो अनियन जो है वी नीड टू स्लाइस, वी गोना थिनली स्लाइस दिस। तो इसको हम बीच से काट लेंगे। वी गोना गो वेरी स्लो लाइक दिस, एंड देन ताकि वेन एवर यू स्लाइसिंग अनियन यू गेट अ वेरी फाइन स्लाइसेस एवरी टाइम यू कट। बाय द वे ये सोयाबीन जो है, सोयाबीन रेडी हो चुका है एज यू कैन सी। इसको बंद कर देंगे और इसको निकाल के स्क्वीज करना है। सो सोयाबीन हो गया रेडी एज यू कैन सी, क्योंकि ये सॉफ्ट हो चुका है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इससे जो फ्रॉथ आ रहा है वो फ्रॉथ रिमूव करना है। तो इसको हम एक बोल में, सेम बोल में निकाल के रख देंगे। एक तो है सोयाबीन ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुका है, और ये उबालने के बाद इसके अंदर से जो एक्सेस फ्लेवर रहता है, अननेसेसरी फ्लेवर, वो निकल गया है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये निकाल देंगे और इसका मसाला बनाएंगे हम। एज वी आर रेडी विद द सोयाबीन, वी आर गोना मेक द ग्रेवी। बट उससे पहले ये सोयाबीन बॉयल करने के बाद ना, जैसे मैंने बताया, इससे एक फ्रॉथ आता है, तो उसको स्क्वीज कर लीजिएगा, उसको रिमूव कर लीजिएगा, ताकि उसका एक्सेस जो स्मेल है वो यू कैन रिमूव। और फिर हम बनाएंगे इसका ग्रेवी। इसके लिए एक थिक बॉटम पैन एज यूजुअल, और फिर उसको गरम करना है अच्छे से। ऑब्वियसली ठंडा पैन में कैसे बनाएंगे हम, तो उसको करते हैं गरम। ये पैन गरम होते हैं, उसमें वी गोना ऐड सम सरसों का तेल। सरसों का तेल आप जब भी यूज कर रहे हो ना, मेक श्योर यू हीट इट नाइसली, ताकि उससे वो धुआं है, और फिर उसमें बाकी मसाला डालेंगे। बिकॉज बहुत लोगों को ये होता है कि सरसों का तेल से खाना बनाने के बाद वो खाने में कच्चा तेल का फ्लेवर आता है, जो अच्छा नहीं होता। सो हीट दिस वेरी नाइसली। फाइनली तेल गर्म हो चुका है, धुआं आ रहा है ऊपर से, और इसी में हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में सबसे पहले हम लेंगे बड़ी इलायची, जो डालेंगे दो पीस, सम बेलीफ, सम रेड चिली, इसमें डालेंगे फाइन कटी हुई अनियन। अनियन हो गया ऑलमोस्ट रेडी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सॉल्ट, शुगर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, इसको पका लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट,
क्योंकि ग्रेवी आएगा उसी से ही। ये रहा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको ऐड करेंगे हम। जब तक ये पक रहा है वी गोना कट वन टमाटो। ये जो पार्ट है ना इसको भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी यूज कर लेंगे, बस एनीवेज वो ग्रेवी बनेगा। ये मसाला हो गया ऑलमोस्ट तैयार और अभी इसमें डालेंगे टमाटर। ये जो है पूरा टमाटर ये पूरा जाएगा ग्रेवी के अंदर, सो ये पूरा टमाटर वी गोना ऐड इट इन दिस ग्रेवी। अच्छे से टमाटर को पकाना है ताकि पूरा मेल्ट हो जाए। बेसिकली फंडा बहुत सिंपल है, पहले अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाला पूरा पकाना है, जब वो ऑलमोस्ट पक जाए 90% फिर उसमें टमाटर ऐड करना है और टमाटर को हल्का पकाने के बाद उसमें ऐड करना है सोयाबीन। बट उससे पहले हम ऐड करेंगे इसमें पानी। पानी इसीलिए क्योंकि ग्रेवी बना के एक तो है और सेकेंडली है सोयाबीन के अंदर फ्लेवर के लिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ेगा ताकि जब सोयाबीन पके तो सोयाबीन वो पानी अब्जॉर्ब करे और उसके अंदर तक टेस्ट और जो फ्लेवर है वो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे सोयाबीन, बट सोयाबीन ऐड करने से पहले सोयाबीन को हम करेंगे स्क्वीज एज आई मेंशन पहले। तो इसको ले लेंगे, इसके अंदर थोड़ा पानी तो रहेगा, तो इसको ले लेंगे। इसी का पानी जो है ये एक्सेस पानी, इसको निकालना है और निकाल के इसके अंदर डालना है ताकि ये पानी निकल जाए और ग्रेवी का जो पानी है वो अब्जॉर्ब कर ले। तो सोयाबीन जब स्क्वीज करो मेक श्योर यू मेक इट लिटिल कोल्ड, थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा। और ये स्क्वीज करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, डोंट स्क्वीज इट वेरी टाइट ताकि उसका शेप ख़राब ना हो। ये पूरा वो पानी निकाल के और ये जा रहा है पूरा ग्रेवी के अंदर। सोयाबीन डालने के बाद इसको तब तक पकाएंगे जब तक सोयाबीन वो मसाला वो ग्रेवी अब्जॉर्ब ना कर ले। और थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि इसीलिए रखना है, सोयाबीन पानी अब्जॉर्ब करता रहता है और आपका ग्रेवी जो है ड्राई हो जाएगा इफ़ यू डोंट कीप इनफ वाटर। बस इसको थोड़ा पकाइए और फिर सर्व कीजिए, रोटी चावल पुलाव एवी जैसे खाना मर्जी वैसे खा सकते हो। और इसको ढक देंगे और छोड़ देंगे फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट बॉइल करने के बाद ये हो गया तैयार और इसको खोलेंगे और दिखाएंगे कैसा है आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग ओए होए 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 रेस्टोरेंट स्टाइल सोयाबीन की सब्जी। ऊपर से डालेंगे कोरिएंडर बिकॉज कोरिएंडर हर चीज में अच्छा लगता है। खोल के दिखाते हैं कैसा है आज का ब्यूटीफुल रेसिपी, कम क्लोजर। वो दिस लुक्स अमेजिंग ऑलरेडी, क्योंकि ये सोयाबीन जो है फुल गया है। जैसे सुबह बॉस का गाली खाने के बाद आपका मुंह बन जाता है वैसे ही फुल गया है सोयाबीन। ये हो गया ऑलमोस्ट तैयार और इसके ऊपर डालेंगे हम कोरिएंडर। जितना मर्जी आप कोरिएंडर डाल सकते हो बट हम डालेंगे थोड़ा सा क्योंकि बजट कम है। तो कोरिएंडर करेंगे चॉप और इसके ऊपर से डालेंगे कोरिएंडर का गार्निश। ये हो गया कोरिएंडर चॉप, डालते हैं इसके ऊपर। स्लो मोशन में डालेंगे बिकॉज स्लो मोशन में थोड़ा एस्थेटिक लगेगा। सो फाइनली रेडी हो गया आज का ब्यूटीफुल अमेजिंग ओए होए होए रेस्टोरेंट स्टाइल सोयाबीन की सब्जी।